के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मैराथन मंथन बैठक के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हुए रवाना, प्रत्याशियों नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिए जीत के मंत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महापौर पार्षद और पूर्व पार्षदों के साथ की बैठक, कहा सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएं जनता तक, बनाए केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के नामांकन के अंतिम दिन गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से 14 तथा बांसगांव से 6 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, डीएम व आरओ के विजेंद्र पांडे ने दी जानकारी। आईपीएल क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टेबाजी के आरोप में गोरखनाथ पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 सटोरियों को किया गिरफ्तार, 2,50,800 रुपया और 8 सेट मोबाइल भी किया बरामद। सदर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वरिष्ठ अधिवक्ता मधुसूदन त्रिपाठी ने किया नामांकन, कहा जनता के प्रेशर पर लड़ रहे हैं चुनाव। मुंबई में वोट डालकर पत्नी संग वापस पहुंचे रवि किशन, पत्नी प्रीति ने कहा रवि किशन को पसंद है बाटी चोखा। रवि किशन शुक्ला ने कहा मोदी और योगी जी की लहर नहीं बल्कि दिखाई दे रही है सुनामी। गोरखपुर न्यूज और स्वीप की है मनुहार, हम मतदान जरूर करेंगे। इस बार के मुहिम के साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने लोगों से मतदान करने की अपील, कहा देश के विकास के लिए जरूर करें मतदान। गोरखपुर विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए 142 नए शिक्षक, कुलपति ने कहा नैक के मूल्यांकन के बाद विश्वविद्यालय को मिल सकेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया से श्याम लाल यादव ने सदर लोकसभा सीट से किया नामांकन, कहा महिलाओं की सुरक्षा और गोरखपुर को जाम से मुक्ति दिलाना है प्राथमिकता। अरुण कुमार श्रीवास्तव को पीस पार्टी ने सदर लोकसभा सीट से बनाया उम्मीदवार, किया नामांकन, कहा देश में गंगा जमनी तहजीब को बनाने के लिए आया हूं चुनाव मैदान में। गोरखपुर विश्वविद्यालय के नव नियुक्त शिक्षकों द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन समारोह का हुआ आयोजन, कुलपति ने कहा शिक्षकों को नियुक्ति से बेहतर होगा शैक्षिक स्तर। भारतीय गौंडवाना पार्टी के जिला अध्यक्ष सुशील कुमार गौंड ने सदर लोकसभा सीट से किया नामांकन, कहा शिक्षा रोजगार नौकरी और गौंड जाति का प्रमाण पत्र है मुख्य मुद्दा। राष्ट्रीय परिवर्तन दल से शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने सदर लोकसभा से किया नामांकन, कहा गोरखपुर का विकास हो यही होगी प्राथमिकता। बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कुश सौरभ ने एक और सेट में दाखिल किया नामांकन, कहा कुछ त्रुटि ना रह जाए इस वजह से दाखिल किया हूं नामांकन। बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से समता मूलक समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रमेश साहनी ने दाखिल किया पर्चा, कहा युवाओं के लिए रोजगार रहेगा मुख्य मुद्दा। बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से भारतीय स्वर्ण जन पार्टी के प्रत्याशी राम विरिश ने दाखिल किया पर्चा, कहा बांसगांव की जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा। बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से निर्दल प्रत्याशी फेकू प्रसाद और लाल चंद्र प्रसाद ने दाखिल किया पर्चा, कहा विकास होगा मुख्य मुद्दा। और सदर लोकसभा निर्वाचन में निर्दलीय उम्मीदवारों ने की दावेदारी, मजबूत किया नामांकन।